अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना, और कराची में आप रहते हैं लेकिन वो आपको मेजरमेंट्स नहीं मिल पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं? तो जी हाँ, बहरिया टाउन कराची उन तमाम तकाजों को पूरा करता है। आपको यहाँ पर अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, बुकिंग पर अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं, रेडी टू मूव अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अपना विला ले सकते हैं, बिलेट इन जो बहरिया की प्रॉपर्टी है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर फ्लोर लेकर कंस्ट्रक्शन, अपनी मनपसंद कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपना मनपसंद फ्लोर प्लान यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, मैं DX हाइट्स की लोकेशन पर मौजूद हूँ। DX हाइट्स के बारे में आपको मैं बताता चलूँ तो ये 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट का ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ग्राउंड पर इसके 4 शोरूम दिए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी लोकेशन है, प्रीसेंट 11A और 10A, जो कि बहरिया टाउन कराची का सबसे ज़्यादा अलाइव और सबसे पहले अलाइव होने वाले प्रीसेंट्स में से एक है, जहां पर बहरिया टाउन कराची ने बिल्ट इन प्रॉपर्टी 200 स्क्वायर यार्ड और 152 स्क्वायर यार्ड के विलास दिए हैं। इसी के साथ ही बिल्कुल शॉपिंग गैलरी, मॉस्क और उसके अलावा पार्क भी मौजूद है, और मरी व्यू पॉइंट भी बिल्कुल इसके वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ऐसी लोकेशन पर DX आपके लिए लाया है 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम लेकर आया है। इसकी मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, ये प्रोजेक्ट प्रॉपर वेस्ट ओपन है। कराची के लोगों को वेस्ट ओपन अपार्टमेंट प्लॉट्स या फिर घर बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट ओपन हवाएं चलती है और वेंटिलेशन का, और आपको किसी भी किस्म की हेजिटेशन नहीं होती। और दूसरा, वेंटिलेशन का आपको बताता चलूँ तो ये क्रॉस वेंटिलेशन का प्रोजेक्ट है, जिस पर एक फ्लोर पर जस्ट 2 अपार्टमेंट्स हैं, और उसके अलावा एलिवेटर यहाँ पर दिए गए हैं। और 3 बेड अपार्टमेंट जो है उनका आपको मैं साइज़ बताता चलूँ तो 1565 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, और ये 3 बेड अपार्टमेंट DD अपार्टमेंट है ड्राइंग और डाइनिंग के साथ। उसके अलावा 2 बेड अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो टोटल एरिया है वो 1067 स्क्वायर फीट का है। तो ये आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कराची को से अगर मूव होना चाह रहे हैं और किसी अच्छी सोसाइटी को देख रहे हैं, तो बहरिया टाउन कराची से बेस्ट सोसाइटी आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टाइम में बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट हो जाएं। वो लोग जो 1 से 1.5 साल पहले बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट हो चुके थे या फिर बुकिंग पर चीज़ें ले चुके थे, वो आज आपको ये बता सकते हैं कि 1-1.5 साल में कितना प्राइसेस में डिफरेंस आया है। तो अगर आप और लेट करते हैं और 1-1.5 साल बाद बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होने का सोचते हैं, तो आपको कम से कम 40 से 50 लाख या इवन कि मैं 1 करोड़ तक का डिफरेंस यहाँ पर आ चुका होगा। मज़ीद अगर बहरिया टाउन कराची में आप बुकिंग पर कोई चीज़ लेना चाहते हैं, ऑफिस लेना चाहते हैं ताकि आप अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर सकें, या फिर आप कोई रेंटल इनकम का कोई सोर्स ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे रेंटल इनकम आए और आपका किचन सेव हो सके, तो आप बहरिया टाउन कराची में हमसे रब्ता कीजिएगा। उसके अलावा मैं बताता चलूँ, यहाँ पर हमने 2 पॉलिसी जो है वो अनाउंस की है। एक ये कि अगर आप लमसम पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर मंथली रेंट मिलेगा, बुकिंग पर हम आपको यहाँ पर रेंट दे रहे हैं। उसके अलावा हमने एक और सर्विस स्टार्ट की है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि आप बेच नहीं पा रहे या बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें वो प्रॉपर्टी देकर आप यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं और रेंटल इनकम यहाँ पर आप फर्स्ट डे से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी प्रीसेंट में या किसी अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।